तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री पांचवा अध्याय। किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर, और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं ब्याह करें और बच्चे जने और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना दो या तीन गवाहों के उसको न सुन। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते।